हेलो व्हाट्सअप गाइस माय नेम इज विनोद बाददू थापा एंड टुडे इन दिस वीडियो वी विल सी लोडिंग एंड एरर स्टेट इन आवर रिएक्ट एप्लीकेशन जी हाँ गाइस तो अभी तक हम इतना प्यारा पिकाचू बना चुके हैं लेकिन कल के दिन हमने गाइस लोडिंग एंड हमने देखा बेसिकली हमें बाय डिफॉल्ट ना एक नल वैल्यू आ रहा होता है एंड मैंने देखा कि आप उसको कैसे टैकल कर सकते हो जो कि बहुत असम था लेकिन हम इसको और बेटर तरीके से टैकल कर सकते विद द हेल्प ऑफ लोडिंग स्टेट एंड देन आवर एरर स्टेट तो कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ ध्यान से देखिए लेट्स क्रिएट आवर लोडिंग स्टेट ठीक है सो लोडिंग कॉमा सेट एंड देन वी हैव दिस लोडिंग इक्वल टू यूज स्टेट एंड बाई डिफॉल्ट इसकी वैल्यू में ट्रू रख रहा हूं इट मीनस लोडिंग हो रही है डेटा अभी तक फैच नहीं हुआ है अभी भी वो लोडिंग स्टेट पे कि भाई थोड़ा रुको डेटा आ जाएगा लोडिंग आपने देखा ना कुछ भी डेटा एप्लीकेशन या कोई गेम इंस्टॉल करते हो या कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो तो लोडिंग करके आ रहा होता है एंड वंस वो प्रॉपर लोड हो जाता है तब आपका वो चलता है तो बाई डिफॉल्ट मैंने उसकी वैल्यू ट्रू रखी है अब कब मुझे इसको फॉल्स करना है मुझे इसको फॉल्स तब करना है जब हम हमारा डेटा को गेट कर लेंगे डेटा को गेट करने के बाद मैं इसको फॉल्स करूंगा। सो अ सेट लोडिंग एंड देन फॉल्स हम मेक श्योर sure करेंगे कि ये एंड में रहे ताकि प्रॉपर हमारा डेटा जो है पहले अपडेट हो जाए फिर जाके आप फॉल्स करो ताकि उसके बाद हम डेटा दिखाएं राइट right? एंड साथ ही साथ सिर्फ यहाँ पे नहीं जब एरर भी कुछ पार्ट हो रहा होता तब वहाँ पे भी हमें करना है एंड ऑब्वियसली आप एक साथ दो स्टेटमेंट तो लिख नहीं सकते तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा फिर ठीक है अब कोई प्रॉब्लम नहीं तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम लोडिंग स्टेट हमारा ट्रू रहेगा एंड द मोमेंट डेटा मिल गया हम फॉल्ट कर रहे एंड वापस कैच में भी हम फॉल्ट कर रहे अब ये जो पोकीमॉन जो हमने कल के दिन जो किया था तो बताना चाहूंगा इसमें वापस उसी को ही अपडेट करो एंड मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने उस एक जगह पे तो भी कहीं सेव करके रखा होगा तो इसको मैं लोडिंग कर दूंगा एंड अब इसकी नीड मुझे नहीं है मतलब जब तक मेरा ये रिएक्ट एप्लीकेशन लोड हो रहा है आप ये लोडिंग जो है आप उसको डिस्प्ले कर दीजिएगा एंड द मोमेंट लोडिंग की वैल्यू फॉल्स हो जाती है एंड ये तब फॉल्स होगा जब मेरा डेटा हम फैच कर चुके होंगे उसको हमारा स्टेट वेरिएबल में अपडेट कर चुके होंगे तब हम इसको फॉल्स कर देंगे एंड द मोमेंट ये फॉल्ट हुआ तो ये चलेगा नहीं फिर हमें वो इसको रिटर्न करा देगा तो इतना ये देखो हो इतना लोडिंग हो रहा है एंड इतना देर तक क्यों लोडिंग हो रहा है तो इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ मैं एंड या सी मेरा काम हो गया ये देखो फॉर दी वेरी फ्यू मिली सेकेंड्स के लिए आपको लोडिंग दिखता है ये देखो ठीक है एंड आई गेस अगर इसके मैं नेटवर्क में जाके हमारा यहाँ पे ये जो ट्रॉटलिंग वाला जो पार्ट है इसको अगर स्लो थ्री जी कर दूँ ठीक है ये तो पहली बात तो ये ऊपर ही टपक रहा है लोड होने में टाइम ले रहा है ठीक है अगर ये लोड होने में टाइम ले रहा है तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा समय लेता है मतलब जो भी हो मतलब पहले के समय अगर आपने नोटिस किया होगा तो हम थ्री जी पर ही काम करते थे तब तो इतना लोडिंग फील नहीं होता था हमें मे बी तब होता भी हो तो हमारे अंदर उतना पेशेंस था कि चलो कोई नहीं डेटा आ रहा है अभी तो गैस टिकटॉक शॉर्ट्स रील ने पेशेंस की सब एक कर दी है आप समझ रहे हो ना लाइक like, दस सेकेंड में भाई इंसान बोर हो जा रहा है भाई क्या जमाना आ गया ये तो डेट्स वाई रिलैक्स आराम से इसको वापस मैं नोट होटलिंग पे कर देता हूँ फॉर द फ्री फ्यू सेकेंड्स आपको लोडिंग दिखता है एंड फिर डेटा आ रहा है तो ये बेस्ट तरीका था उसको डील करने का नाउ लेट्स टैकल हाउ टू डील विथ एन एरर ठीक है तो उसके लिए भी हम एक सेपरेट कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं इस तरीके से एरर वी हैव अ सेट एरर देन वी हैव यूज़ स्टेट एंड एरर तो क्या लिखना फिलहाल एज इट इज एम्प्टी रख दो यहाँ पे सेट एरर को कॉपी कीजिए एरर मुझे तब मिलता है जब हम कुछ एरर को कैच करते हैं तो वो जो एरर हम जो भी कैच करें वो आप मिलिए एंड एक कोड रखा है सिंपल सा कि लोडिंग होने के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया डेटा में तब मैं उसको इफ़ देर इज़ सम एरर देन रिटर्न डीव एच वन में एरर डॉट एरर मैसेज अब ये जो एरर डॉट एरर मैसेज लिखा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है क्यों मैं आपको एक काम करता हूँ Uh, यहाँ पे तो एरर है ही यहाँ पे एरर दिख ही रहा है तो यहाँ पे मैं चलता हूँ ठीक है रिफ्रेश कर रहा हूँ ये ये समझना ज़रूरी है आपके लिए एंड मैं सपोज़ यहाँ पे मैं पोके के बोले पोके कर देता हूँ क्योंकि ये तो कोई ए है ही नहीं मतलब हम गलत ए को टारगेट कर रहे हैं तो ये कुछ रहा मैं एक बार रिफ्रेश करूँगा तो लोडिंग हो रहा है एंड बाय द वे अब मुझे लोडिंग होने के बाद एक एरर आया बता रहा है अनएक्सपेक्टेड टोकन एंड नॉट फाउंड इज़ नॉट वैलिड जो भी एरर आ रहा है टाइम पास ये बट मुझे ये इस तरीके से एक वार्निंग आई ठीक है एंड यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि मुझे ये जो सिंटेक्स एरर आ रहा है बता रहा है कि कुछ तो भी सिंटेक्स एरर है तो इस पर्टिकुलर वार्निंग को ये जो पर्टिकुलर एरर है इसको गेट करने के लिए जब मैंने इस तरीके से पास किया ना तब इस एरर के अंदर वी हैव दिस डॉट मैसेज वाला एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी मदद से मैं वो वार्निंग को गेट कर सकता अगर ये नहीं होता ठीक है मैं अगर रिफ्रेश करता हूं तो पहली बता रहा है यहां पे देखो ना ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड एज रिएक्ट चाइल्ड इफ यू वांट इफ यू मीन टू रेंडर अ कलेक्शन ऑफ चिल्ड्रन यूज एन एंड एरेंटेड आप समझ रहे हो मुझे एक वार्निंग आ जा रहा है कि डायरेक्टली आप ऑब्जेक्ट को रेंडर नहीं करा सकते इसलिए डॉट मैसेज रहता है एक प्रॉपर्टी जिसमें जो भी एरर आप कैच कर रहे हो आप उसको डिस्प्ले कराओ तो ये बाय डिफॉल्ट है एरर डॉट मैसेज करके मैसेज बाय डिफॉल्ट रहता है आपको लिखना पड़ता है तो आपको इस तरीके से ये वार्निंग आ जाती है अब और, और भी तरीके थे आप यहाँ पे थ्रो न्यू एरर इस तरीके से करके आप अपना खुद का एरर थ्रो कर सकते थे जब आप रेस्पॉन्स के थ्रू कर रहे हो तो यहाँ पे और भी फंक्शनैलिटी चेक कर सकते हो कि रेस्पॉन्स मिला या नहीं तो उसके बेस पे आप एरर हैंडलिंग कर सकते थे जो कि हम आगे की वीडियो में देखेंगे बट आज इस वीडियो में मैंने आपको ये दिखा कैसे आप लोडिंग स्टेट को ऐड कर सकते हो एंड कैसे आप एरर स्टेट ऐड कर सकते हो जब तक प्रॉपरली लोड नहीं हुआ तो ये दिखा देना अगर लोड हो गया एंड उसके बाद भी अगर कुछ वार्निंग था या कुछ गलती थी कुछ एरर हमें मिला तो ये दिखा देना एंड अगर सब कुछ सही है तब जाके हमारा एक्चुअल कोड दिखा देना कितना इजी स्टेप बाय स्टेप अब हम जा रहे हो राइट एंड यहाँ पे आप एक और काम कर सकते हो यहाँ पे भी आप नल दे सकते हो क्योंकि नल देना एक ऐसा पार्ट है जो कि लाइक मोस्टली uh, प्रिफर करते राइट एंड या दिस इज इट एंड बहुत औसम तरीके से एक चीज़ हमें यह पता चल रहा है जो एरर है वो ये है कि 404 जीरो फोर नॉट फाउंड मतलब ऐसा कोई ए है ही नहीं समझ रहे हो तो मैं वापस इसको ठीक कर देता हूँ एंड अब मैं अगर यहाँ चलूँगा एक बार रिफ्रेश कर दूंगा मुझे मेरा पिकअ जो आ गया है तो थाना कितना ज़्यादा ऑसम एंड मैं एक चीज़ तो भूल ही गया यहाँ पे एक चीज़ दिखाना था आप लोगों के लिए एंड डैट इज़ कि मेरे पास थोड़ा सा और डेटा भी है जो मैं ठीक इस H1 के नीचे ऐड करना चाहूँगा इस तरीके से ठीक है सिंपल मैंने इतना ऐड किया है जहाँ पे डीप पे मैंने ऑलरेडी ग्रीड थ्री कॉलम्स रख दी है पहला दूसरा तीसरा हाइट वेट स्पीड पोकीमॉन डॉट हाइट पोकीमॉन डॉट वेट पोकेमॉन डॉट स्टैट्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत सभी लोगों को ये आइडिया नहीं कि अगर ए में डेटा हमें मिल भी गया बट तो ए का डेटा भी इतना नेस्टेड होता है आपको कन्फ्यूज़ कर देगा कि मैं उस डेटा को कैसे गेट करूँ उस नेस्टेड डेटा को मैं कैसे गेट करूँ तो तब आपको इस तरीके से खेलना पड़ता है एरे है तो एरे के साथ डील करो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के साथ डील करो है ना देखो यहां पे दिखाता हूं मैं स्टैट्स यर वी हैव बाई स्टैट्स ये देख लीजिए तो पोकेमॉन डॉट स्टैट्स एंड फिर मैंने यहां पे देखो एक एरे है वो ठीक है एंड एरे में अगर कोई भी डेटा हो तो डॉट नोटेशन से हम उसको गेट करते थे तो डॉट ली एंड टोटल सिक्स थे यहाँ पे यहां पे कितने है? क्या लिखा है मैंने यहाँ पे वैसे यार मैंने फाइव लिखा है इट मीन्स कि पाँचवा नंबर तो गाइस ये देख लीजिए अब और भी इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया आप लोगों के लिए तो ये एक एरे है विथ सिक्स एलिमेंट एंड इंडेक्स नंबर जीरो वन टू थ्री फोर एंड देन फाइव तो लास्ट वन इज और फाइव जिसमें अगर आप देखोगे तो जो स्टैट्स है नाइन्टी है एंड जिसका नाम क्या है स्पीड है आप समझ रहे हो ना ये क्या है तो इसीलिए मैंने पोकीमोन डॉट स्टैट पांचवा इंडेक्स नंबर डॉट बेस अंडर इसको स्टैट लिखा ताकि मुझे वो डेटा मिल जाए कौन सा डेटा ये वाला डेटा समझ रहे हो ना तो so, इस तरीके से गाइस मुझे मेरा पिकाचू मिल गया तो अब कल का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि अभी भी बहुत सभी लोग गाइस प्रोमिस यूज ना करके दे प्रिफर यूजिंग एसिंक अवेट एंड ट्राई कैच मेथड जो है एरर हैंडलिंग के ले लिए वो प्रीफर करते तो कल की वीडियो में मैं अब आपको बताऊंगा ये जो डेटा आपने प्रोमिस के थ्रू गेट की है इसको कैसे आप एसिंक अवेट विथ ट्राई कैच एरर हैंडलिंग जो आपको मेथड प्रोवाइड करता है जावास्क्रिप्ट उसके थ्रू कर सकते हो तो कल का वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा औसम awesome होने वाला है सो so गाइस अब मैं मिलता हूँ कल की वीडियो में लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है अगर आपको रिएक्ट सीरीज़ पसंद आ रहा है अगर आपको पिकच देख के बहुत क्यूट फील हो रहा है बहुत ऑसम नोस्टाइलजिक यू नो बचपन की मेमरीज याद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों के साथ भर भर के शेयर कर दीजिएगा एंड नेक्स्ट टारगेट इज वन मिलियन सब्सक्राइबर तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा मिलता हूँ कल की वीडियो में टिल देंगे थैंक यू सो मच टेक केयर